इस समय में आदमी देखूंगा तो आदमी को भी खाऊंगा। और साला थोड़ा बहुत दूषी भी लगा है, क्योंकि बहुत ठंड के मौसम में ये दूषी लगना सामान्य बात है। इसे हल्का रब करके देखते हैं ये पोटी कैसा है डायनासोर का। आ जाइए कुछ मिला है इधर, कुछ मिला है इधर। वाह, दो देखिए देखिए मुझे क्या मिल गया है। मीठा तो नहीं है पर क्या करें, बांटना पड़ेगा, माँ बाप को मिलना पड़ेगा, शादी करना है, बीवी को खुश रखना है, नन्ना मुन्ना मैंने भी पाना है। क्यों मैं ही इतना भाग्यशाली होता हूँ, बार बार मुझे ऐसे नजारा देखना मिलेगा। पर इस पेड़ को कभी मत टच करना, ये ब्लास्ट हो सकता है, बहुत डेंजर है। अब देखते हैं ये फल कैसा है। फल हेलीकॉप्टर जा चुका है। मैं हूँ डोना का भैया बोना, बिहार रांची से, और मैं आज डोना का यूट्यूब चैनल रन करूंगा, जैसे राजधानी एक्सप्रेस रन करता है वैसे ही हम आज इस चैनल को रन करेंगे। माफ़ करना दोस्तों, मुझे थोड़ा नेपाली में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आज हिंदी में ही बनाऊँगा। ये मैन वर्सेस वाइल्ड हिंदी में है, आशा करता हूँ आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। घबराइए मत, क्योंकि मैं हूं और ये मेरा ये अस्त्र है, ये अस्त्र निकाल के शक 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 फिनिश। मान्छे ची होता है पर ये है आत्कोसे झाड़ी, नेपाल का भयंकर झाड़ी है। मुझे पता नहीं आज क्या क्या देखने मिलेगा, क्या क्या मैं आज टक्कर करूंगा, किस किस के साथ क्या क्या खाएंगे सरवाइव करने के लिए, क्योंकि मेरा माँ बाप भैया बहन सब लोग रांची में इंतजार कर रहा है। अब मैं आत्कोसे झाड़ी के भीतरी और डरलागदा गुफा पे और चला जाता हूँ। सो बना रहिए, हम अब आपको ले चलेंगे बहुत डेंजर बाटों। चलो और 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं इस घना जंगल के सेंटर में हूँ। पता नहीं इस सेंटर में पेंटर मिलेगा या नहीं, पर मुझे ये मिला। दिखाइए जरा, ये देखिए। ओ माय गुडनेस, मैं थोड़ा अध्ययन के लिए जर्मनी में जब मैं था उस पार मुझे पता चला कि मैं साइंटिस्ट भी करता था। और ये लगता है ये है डायनासोर का पाला का पात। ये तो लग रहा है किसी ने पोटी किया इधर। आगे चलते हैं, आगे देखने को मिलेगा खूबसूरत नजारा। वो ये देखिए ये देखिए अंदर का होल और ये पीछे का होल। मुझे लग रहा है कोबरा का बाउ डोबरा टोबरा और इसका ये पिछले भाग छोबला भी है इधर। इसमें खतरनाक स्नेक हो सकता है,
जरा बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी अपनाना चाहिए, ये आप लोगों के लिए भी काम आना सकता है। और ये देखिए, ये एंशियंट टाइम में जब मेरा पिताजी का पिताजी और पिताजी का फिर पिताजी और पिताजी का फिर पिताजी जब होया करता था इस दुनिया में, यही था उसका अस्त्र, वो लोग का अस्त्र यही था, इसी से मार देता था सब खतरनाक आतंकवादियों को। सो मैं अब इसमें थोड़ा अनुसंधान करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत खाने के लिए कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं अब भूख भी लग रहा है, मेरे पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, और सर्वाइव भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर वापस भी घर जाना पड़ेगा। सो देखते हैं इधर क्या कुछ मिलेगा। ओह माय गॉडनेस, व्हाट इज दिस? ये मुझे लग रहा है कुछ मिलेगा इधर। ओ जनाब, थोड़ा नजदीक आइए जनाब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कोबरा का पॉटी, और आपके भाषा में गू, पॉटी और गू एक ही नाश है। और जनाब ये मुझे मिल गया, अब इससे थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगा, देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये तो मेरा भाई का पोटी से भी बहुत तर है। ठीक है, दूसरा टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, हाँ मामा, बहुत चिपचिपाता है, बहुत गिजगिजाता है, बांटने के लिए खाना पड़ेगा। मेरा माँ का हाथ का खाना याद आया, पर क्या करें, बांचने के लिए खाना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये मैं थोड़ा बहुत ये जेब में डालता हूँ, क्योंकि आधे बीच बांटने में फिर मैं मरने की अवस्था में हो जाता हूँ, तो ये फिर डालना पड़ेगा। और ये देखिए जनाब, ये रात चाके झापले से आप लोग ये बेसार में इस्तेमाल करते हैं ना, मीट वेजिटेबल पे बेसार डालते हैं ना, वो इसी से बन जाता है। पर ये जंगली बेसार है, ये बहुत डर लगता होता है, सूंघने पे ये साला भैंस का पोटी जैसा भी लग रहा है, पर ये भी डेंजर है भाईजान, इसको घर लेकर जाऊंगा और माँ को मैं तोहफे के तरफ से देऊंगा, क्योंकि खाना में भी काम आएगा, मीट में भी काम आएगा, बेसार जंगली बेसार, और एक बार खाने से एक वर्ष आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बेबी नहीं हो जाएगा, इससे डेंजर माल। थोड़ा रखता हूँ, अब इधर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अब फिर रास्ता पकड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ आठ कोसे झाड़ी में क्या क्या है। लेट्स मूव। आप लोगों को ये मालूम नहीं हो सकता, देखिए ये, देखिए देखिए ये क्या है, आपको पता है, ये डायनासोर लोग आज से 6000 वर्ष पहले डायनासोर लोग इसी में पॉटी करता था, पॉटी मींस टॉयलेट करता था। ओह माय गॉडनेस, फाइनली मैं देखने को मिल गया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने डायनासोर का टॉयलेट करने का जगह मिल गया, भेट गया हूँ मैं टॉयलेट। आप सोचिए टॉयलेट कितना प्रयोग करता है हम लोग दिन रात, हो डायनासोर वैसे ही दिन में 4 बार पोटी करता है, क्योंकि पेट फूला होता है, कंडा इतना होता है डायनासोर का, इसलिए ये लोग दिन में 4 बार पोटी करता है। और देखते हैं इधर पोटी है कि नहीं है, देखिए एक लेड, दुई लेड, तीन लेड, चार लेड पोटी कर चुका है ये डायनासोर। अब देखते हैं ये पोटी में, और आपको पता है कि नहीं, ये पोटी में बहुत विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए सब मिल जाता है। और साला थोड़ा बहुत दूषी भी लगा है, क्योंकि बहुत ठंड के मौसम में ये दूषी लगना सामान्य बात है, इसे हल्का रब करके देखते हैं ये पोटी कैसा है डायनासोर का।
पोती बहुत ही आ ये पोती पर मैं बाँचना पड़ेगा, पर मैं इधर से सर्वाइव करके जाना पड़ेगा, माँ के याद में खाना पड़ेगा। चार आठ को से झाड़ी ने बहुत मुझे रुलाया, पर ये डायनासोर का पोटी ये दो भी रखता हूँ, क्या पता मुझे रास्ता नहीं मिल जाएगा और मैं इधर ही सड़ चुका, सड़ेगा तो मैं इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इधर रखता हूँ मेरे ये झापले झापले ये झोला में, ये झापले झोला क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता है, ये डोना मेरा भाई डोना ने दिया है मुझे झापले झोला। डायनासोर का पोटी तो मुझे लग रहा है मैंने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं पड़ेगा। Let's go. बहुत ही थक चुका हूँ, लगभग 21-22 किलोमीटर में पैदल चल चुका हूँ इस आठ को से डेंजर झाड़ी में। अब इससे ज़्यादा मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं 2 or 3 hours पावर नैप का बहुत ज़रूरत है और मुझे बहुत प्यास भी लगा है, मैंने बोतल में कुछ डाला है और इधर रेस्ट करूँगा और थोड़ा बहुत पानी पी लूँगा। और इधर बहुत खतरनाक खतरनाक जंगली हाथी सुअर सब लोग आता है, इसलिए ये मेरा हथियार काम आएगा। और ये हथियार मेरे बाप ने दिया था, चाक चुक चाक, मेरा बाऊ का नाम है बॉन्ड्रियो। अब देखते हैं इधर मैंने क्या क्या लिया है। पानी इधर होना चाहिए था, ओ माय गुडनेस पानी नहीं है, ओ पानी है इधर। ये देखिए इसको बोलता है वोल्टे टूमलेट, ये बहुत खतरनाक है, बुलेट प्रूफ बोतल है। ये आतंकवादी जब फायर करेगा ना इधर होगा, वो चेस्ट में मारेगा, रिटर्न जाके वही मरेगा, ऐसे डेंजर बोतल है। अब मैं पानी पीता हूँ, शेर का आवाज। ओ मुझे तो लग रहा था मैं 1 hour पार नैप लिया, मैंने तो साला 2 hour पार नैप। शेर का आवाज आ रहा है, शेर आसपास ही नजीक है, चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, शेर आसपास ही, शेर आसपास ही, आप साउंड सुन रहे हो ना। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक और विशालु तत्व है, ये डायनासोर का दुश्मन राइनासोर का ये सबसे बड़ा खाने का भोजन है और ये शक्ति भी है। और इसने ये देखिए क्या क्या फैला है, देखिए इधर, ये देखिए सब 20 फाला है। देखिए जनाब ये कोई चांचून मामूली सा फ्लावर नहीं है, ये डेंजर है, ये डायनासोर का दुश्मन राइनासोर खाया करता था, अब भी खाता था। और देखिए ये बहुत ताजा ताजा तात ताता ये फाला है, मुझे लग रहा है ये 20 है। और ये आपको एक बात बता दूं मैं, ये चीज रात के ठीक 12 बजे ही ये इसके पिछवाड़े से इधर उधर कर देता है। और दिन में डायनासोर का
दुश्मन राइनोसोर आके खा जाता है। अब मैं भी तो मरने वाला हूँ, भूखा पेट, मेरे दिमाग के बत्ती नहीं चलता है। मैं इसको ट्राई करना पड़ेगा, मैं ट्राई करूँगा। देखते हैं कैसा है, मुझे पता नहीं, मैं मर भी सकता हूँ, मेरा जान भी जा सकता है, पर ये मैं रिक्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि इधर दुख गया, क्योंकि माँ को मिलना है, इस आठ को से झाड़ी से सरवाइव करके मैं घर जाना है। अब मैं खाता हूँ, पता नहीं मैं मर जाता हूँ या बच जाता हूँ। भगवान, प्रभु, परमात्मा, परमालंडी, मुझे आशीष दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, ये खा के भी मैं बच सकूँ और मुझे थोड़ा बहुत डायनोसोर का दुश्मन राइनोसोर के जैसा पावर मिल जाए। लेट्स सी। बचना पड़ेगा, खाली पेट की बत्ती, मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलता है। इस समय में आदमी देखूंगा तो आदमी को भी खाऊंगा। बहुत झंझनाहट महसूस हुआ। दो मिनट के लिए, दो सेकंड, तीन सेकंड के लिए मैं बेहोशी हो जा होगा। फिर खाऊंगा। मुझे क्यों बेहोश कर दिया इसने, खाना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है बहुत, इससे बहुत एनर्जी मिलेगा। आप लोग भी ऐसे झाड़ी में फंस जाएंगे बाद में किसी दिन, तो ये खाना पड़ेगा आप लोग। ये तो बहुत दिमाग में ही प्रेशर करता है रे। मुझे लग रहा है पता नहीं मैं आज इधर से घर पहुंचूंगा या नहीं, पर मुझे जाना है मेरा घर। माँ बाप मुझे बहुत बहुत बेइंतजार से, वो मुझे मेरा राह देख रहा है। गिव अप करूंगा तो मैं घर कैसे पहुंच जाऊंगा। साला डोना का भैया हूँ बोना, साला हिम्मत नहीं हारूंगा। लेट्स मूव। मैं क्यों आया इस भयानक जंगल में, ऐसे खतरे का मोड़ क्यों मैंने ले लिया अपने सर पे। मुझे लग रहा है मैं आज इधर ही ची हो जाऊंगा। शाम ढलने वाला है, रात का समय आ चुका है और ये डेंजर है, खतरनाक है। इधर जंगली भालू, हाथी, सुअर, शेर सब कुछ है, आवाज भी मुझे सुन रहा है। अब मैं इधर कुछ रहने के बंदोबस्त करता हूँ। और मैंने पुरानी फिल्म में देखा है, साला ढूंगा से ठाक ठाक करके आगो बालता है ना, वैसे ही मैं भी ट्राई करूँगा। और मैं अब लकड़ियों को एक साथ करके इधर सोने के लिए भी मैंने एक ढूंढा है, अच्छी जगह है इधर, इधर सोने के लिए अच्छी जगह है, इधर मैं सोऊंगा। पहले लकड़ियों को लेकर आके आगो आग दनकाऊंगा। सो जल्दी करना पड़ेगा, लकड़ी हमारी भी हो रहा है इधर रखूंगा। अब मैं लकड़ियों को एक साथ करके या
बहुत ही अंधेरा होने वाला है, अब जल्दी करना पड़ेगा कसम से। सोने से पहले मुझे घर जैसा दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इधर बहुत कुछ आ सकता है, वन मानसे भी है राउटी भी लोग। एक इधर रखूंगा, एक इधर रखूंगा। बहुत भारा है, एक इधर रखूंगा। अब इधर आगो बाल के मैं उधर सोने का बंदोबस्त करता हूँ। और बहुत शाम भी हो चुका है, इसीलिए मैं ये एंशियंट टाइम में और फोर फादर यूज करते थे ना इसे आगो बालने के लिए, आग बालने के लिए, जलाने के लिए। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते होता है कि नहीं। और पहली बार मैंने मेरा सन ग्लास झाड़ के इधर बुश पे रखा है, क्योंकि ये सन ग्लास आपको नॉर्मल लग रहा है, ये सन ग्लास लगाने के बाद आदमी आएगा, स्त्री आएगा, छरलंग नेकेड देखेगा, इसीलिए मैं ये पहन रहा हूँ, क्योंकि मैं बाघ भालू शेर जंगली सुअर सबको नेकेड देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पहना था। अब शाम के टाइम है, इसलिए इधर बूट से झुंडाया हूँ। अब मैं ट्राई करता हूँ, आगो का बोलने का कुछ नामो निशानी नहीं है। लेट्स ट्राई, डोंट गिव अप। हीट हो चुका है, अब इधर बालना पड़ेगा, हीट हो चुका है। मुझे लगता है फोर फादर के जमाना में ही यह काम आता था, अब नहीं आता है। अब 21 फर्स्ट सेंचुरी में मैं करूँगा कुछ खतरनाक कमाल। देखिए ये है मेरा अस्त्र, ये मेटल, और इससे मैं बालूंगा बहुत डर लगता आगा, बहुत ठुला आगा। लेस होप फॉर द बेस्ट। या हीट हो चुका है, बलने वाला है। वाओ, देखिए 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 देखिए, धुआं पुत्ता रहा है, धुआं तो लग रहा है बादल जैसा, बादल जैसा है। आग भी जल रहा है, थोड़ा थोड़ा धुआं भी उड़ रहा है, इससे मेरा आज काम चलेगा, क्योंकि सोने के लिए इतना धूप, इतना धुआं, ठीक है। अब मैं सो जाऊंगा भाई लोग, और ये हथियार मैं रखूंगा इधर, कुछ आया तो मैं ची करा दूंगा। आज का मेरा शाम इधर ही ढलने वाला है, मैं सो जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब करना नहीं। बाय बाय, गुड नाइट। इधर खुजली हुआ, ओह माय गुडनेस। रात भर मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कसम से, मैं शेर से लड़ रहा था, बाघ से लड़ रहा था, सबको ख़त्म कर दिया, वो मेरा सपना था। वाह क्या खूबसूरत सपना। अब सुबह हो गया है, आज तो मुझे घर जाना ही होगा कसम से, मैं आज रास्ता मालूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं जाऊंगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। सो Let's go guys, अब यात्रा में चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खाने को मिलेगा, भूख भी लग रहा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। Let's move. Whoa, whoa. ये देखिए आप लोग का माँ बाप का भी माँ बाप, इसे सुपो चावल के लाने के लिए सुबह बना पाता। आप लोगों का ये मालूम नहीं है, पर मुझे मालूम है, क्योंकि
मेरा उम्र भी हो चुका है, इसलिए यस मैं ये मेरे माँ को गिफ्ट दूंगा, क्योंकि वो अब सुपो बनाएगा और बासमती मनसुली धानसुली गुसुली सब चावल को केलाएगा और मुझे खिलाएगा मीट से। किसका मीट? पोर्क का नहीं, मटन मीट, क्योंकि शरीर के लिए भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत फलदायक है। इसलिए ये सुपो, अब ये सुपो बनेगा, ये है डायनासोर का लिप्स, ग्रीन लिप्स। लेट्स मूव। मुझे बहुत भूख भी लगा है, कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं आज इधर का सबसे ची हो जाऊंगा। देखते हैं इधर कुछ मिल जाता है कि नहीं। ये है डायनासोर का एरिया, इधर डायनासोर बहुत निर्दुल करता है, इधर कुछ मिलेगा आई थिंक। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओ आ जाइए आ जाइए, कुछ मिला है इधर, कुछ मिला है इधर। वाह, दो देखिए देखिए मुझे क्या मिल गया है, दो। और इधर देखिए, इधर बहुत खतरनाक चीज है ये, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि शायद डायनासोर ने अभी अभी अंडा दे चुका है और अंडा दे कर भी वो चला गया है। और इधर से अंडा से डायनासोर का छोटा छोटा नन्ना मुन्ना कहाँ गया गया, अभी अंडा का छिलका रह गया। और ये अंडा के छिलके में विटामिन एस, विटामिन टी, विटामिन जेड और विटामिन डब्ल्यू होता है। क्या करें माँ बाप, आपको मिलना ही पड़ेगा इस अंडे के छिलके से, मेरा जान जो बच जाएगा तो मैं खाऊंगा। कभी कभी कहता था मेरा माँ सुबह के टाइम में, उठ जा बेटे उठ जा, मैंने बनाया है सब कुछ तेरे लिए। मेरे माँ ने बोलता था अंडा इतना इतना अंडा, 10 थू अंडा बना के देता था, पर अभी मैं ये छिलके से गुजरा चला मेरा जिंदगी। लेट्स सी, बहुत विटामिन है, आप लोग ऐसे मिल जाएगा तो खाना। मीठा तो नहीं है पर क्या करें, बांटना पड़ेगा, माँ बाप को मिलना पड़ेगा, शादी करना है, बीवी को खुश रखना है, नन्ना मुन्ना मैंने भी पाना है। ये देखिए अंडे का छिलका, बहुत तीखा है, मीठा तो नहीं है। ये तो करेले से भी बर्तर है। डायनासोर का आवाज आ रहा है, डायनासोर आ रहा है। वाओ, ये देखिए ये देखिए, अरे बाप रे, इस ये फल का नाम है पुंताला। ये चांचुने फल नहीं है, ये फल पुंताला है। ये ऐसे गहरे वेरे लोग इसको पचा नहीं सकते, बहुत डेंजर विटामिन है ये। इसमें साइट्रस, कैल्ट्रस, पैल्ट्रस और हाइल्ट्रस और न्यूट्रस ऐसे विटामिन मिलता है, बहुत डेंजर है ये, पचाने नहीं सकता है। देखिए और इसका खासियत मैं आपको बताऊं, ये जब ये है ना, ये पेड़ से जब इसका पत्ता सब साफ हो जाता है तभी ये उत्पन्न होता है, ये बाहर आ जाता है। देखिए और मैं इधर देख रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4 देखिए, बाप रे, ये तो बहुत टुप्पा पे है, टुप्पे में मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं तो बहुत गल चुका हूँ, थक चुका हूँ। पर ये चीज बहुत खतरनाक है, पुंताला। अब इसको मैं देखता हूँ कैसा है पुंताला। वो पुंताला बहुत अच्छा है मुझे लग रहा है, देखते हैं इस अंदर क्या होता है। देखिए पुंताला,
इसका रस खाना पड़ेगा। और ये है ना रस का बाहर का जीसिस फेंकना पड़ेगा। रस से निकलता हुआ ये जूस और एक इस बैग में डालना पड़ेगा। अरे और एक बैग में डालना पड़ेगा, बाद में काम आ जाएगा। और मैं जिंदा लौटूंगा तो मेरा माँ बाप भाई बहन सब खाए। और ये टुप्पे का मैं कैसे सीखूँ, ये तो बहुत ऊपर है। लेट्स सी, इधर गाड़ता हूँ मैं। साना में बहुत बचपन में बहुत वॉलीबॉल अच्छा खेलता था। धौलागिरी बहुत ऊपर है क्या ये? मेरा ये चश्मा से नहीं दिखा मुझे, अब दिखा था। ले काली, ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये देखिए, अंदर देखिए। हाँ, टुप्पे का फल टुप्पे जैसा ही है, बहुत रसदायक, बहुत फलदायक। देखता हूँ, बहुत ही गए। बहुत ही गए। आपने सुना डायनासोर का आवाज? भागना पड़ेगा भाई, डायनासोर का आवाज सुना ने? ओ वो, आ जाइए इधर। ये है जैसे आप देखता है ना दुबई में बुर्ज खलीफा और पेरिस में आईफिल टावर जैसा, वो बड़े बड़े साम्राज्य। ये है अमीरा, अमीरा का साम्राज्य है ये। ये सिर्फ आटकुशे झाड़ी में ही देखना मिलेगा आप लोगों को। अमीरा, अमीरा के ये महल है, साम्राज्य है। और देखिए अमीरा, अमीरा लोग अभी वैकेशन में जा गया है, बाली थाईलैंड पर जा गया है। अब ये अमीरा पे कोई नहीं है, पर मुझे लग रहा है इधर कुछ है। देखिए देखिए, ये अमीरा का अध्यक्ष राजा का अम्ब्रेला और वो रानी का अम्ब्रेला है। अमीरा का राजा रानी का अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स आपको पता है छतरी। हाँ, राजा रानी के छतरी में चूरा था वो राजा का है। इधर राजा भी लिखा है और इधर रानी भी लिखा है, अध्यक्ष अमीरा। ये साम्राज्य बहुत बड़ा है। ये लोग इधर होता तो मुझे अभी तक तो मैं सूली पे चढ़ जाता होता था, पर क्या करें अब कोई नहीं इधर। पर राजा रानी मुझे लग रहा है वो कुछ कर रहे हैं अंदर, गुप्चा गुप्त। सो इसलिए वो लोग मुझे पकड़ नहीं सका। पर ये अम्ब्रेला मुझे लग रहा है, देखता है ये अम्ब्रेला के अंदर क्या है। ये अम्ब्रेला बहुत साला यूनिक दिख रहा है, देखेंगे अम्ब्रेला में क्या है। ये अम्ब्रेला तो ये सोने का बना जैसा है, और सोने का भी खाने का सोना जैसा बन रहा है। और इधर अम्ब्रेला के अंदर में है ओ बिजली की किरण है। इधर भूख लगा है, इस टाइम तो मैं आदमी को भी खा जाऊंगा। सो इसीलिए अम्ब्रेला को भी टेस्ट करता हूँ। अम्ब्रेला बहुत स्वादिष्ट है। अमीरा का आवाज भागिए भागिए। अरे बापरे, इस पेड़ के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुनेला सुनेला है, मैंने बहुत सुनेला है। इस पेड़ 7000 ईयर्स अगो में
किसी राजा, क्या था उसका नाम, पंडित जयहरी नारायण बहादुर का बच्चा ने ये रोपा था, इसीलिए ये सुनेला सुनेला लगता है। 7000 ईयर्स पुराना, मेरा जीजी बाका भी बाका ही बाका है, बाका पाला का है ये, और ये अब नांगे हो चुका है, ये शर्म से मर रहा है, ये नांगे हो रहा है, इसका अंतिम संस्कार अब होने वाला है। पर इसका ये है ना, ये जब ये पत्ता लिप्स, ये लिप्स जब अक्कड़ होके पक्कड़ होके गिर जाता है, वो लिप्स वो आदमी लोग खा जाता है, जैसे हम अब लोग हम अभी साग खाता है ना, साग ग्रीन वेज लिप्स, और इसी तरह ये साग ही है, 7000 ईयर्स अगो साग खाता था मानसे इस लिप्स का। सो मैं देखता हूँ इधर कुछ लिप्स गिरा हो तो अक्कड़ के पक्कड़ के बाप लक्कड़ देखता है। देखिए ओ, जब ये मैच्योर होके पक्कड़ से लक्कड़ से गिर जाता है ना, ये हो जाता है, और इसको आदमी साग कहता था और खा जाता था, और मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत तीखा है, आप लोग कभी मत ट्राई करना, इससे जान भी जा सकता है, क्योंकि ये सीधा नाक पे देता है, झिझू देता है। पर मुझे सरवाइव करना पड़ेगा। इधर भी एक फंसा है, देखिए फंसा है, मुझे सरवाइव करना पड़ेगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप लोग ये ट्राई मत करिए, सीधा नाक पे ढीचू देता है, बहुत तीखा है। देखिए इधर थोड़ा फोर भी लगा है, देखिए इधर इससे मैं 3-4 दिन और पैदल चल सकता हूँ। देखिए और एक खसा है, ये ज़्यादा का खाना नहीं मिलेगा, आप लोग ये 3 और 4 से ज़्यादा नहीं खाइए, अदर ज़्यादा खाइएगा तो आंधा बूढ़ी से काचा 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 हो के फूट जाता है, आप लोग मर जाते हैं। ये बहुत डेंजर चीज़ है, ग्रीन लिप्स, 7000 ईयर्स अगो ग्रीन लिप्स। मैं खाता है और मैंने 4 खाया है, क्योंकि मैं पहलवान हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, इसीलिए और एक खाता हूँ। इधर देखा नहीं, देखिए आप लोग ट्राई मत करिए, आप लोग देखिए इधर अभी बहुत तीखा है। माँ पापा मैं आ रहा हूँ आप लोग को मिलने, मैंने खाया है अभी 7000 ईयर्स अगो ग्रीन लीफ। अब कुछ देखता हूँ जब, ओ इधर देखिए मैंने बोला था ना आप लोगों को ये खाने से बहुत और एक है, देखिए और एक मिल गया, देखिए और ये खाने से आप लोगों को पता है डायरिया हो जाता है, जैसे मुझे अभी होने रहा है। अब मैं इधर पॉटी करने जा रहा हूँ, आप मत देखिए। मैंने पॉटी भी कर लिया है, क्योंकि ये बहुत डेंजर एनर्जी है, इसलिए आप लोग इसको डाइजेस्ट कर नहीं सकते हो, ये वेरी डेंजरस। सो आप लोग डायरिया का भी एक मेडिसिन लेकर आना इस 8 कोसे झाड़ी में जाने से पहले। मैंने तो पॉटी की लिया है, 7 केजी की लिया, 7 किलो कीजिए, भैजाज भैजाज भैजाज, आपने सुना ना साउंड, बहुत डेंजर साउंड। सो आप
अब हम यात्रा में चले जाएंगे, इधर शेरों जंगली सुअर बहुत लोग आने वाला है, इसलिए बहुत तकलीफ है। चार कोसे झाड़ी बहुत डेंजर झाड़ी है। अब लेट्स गो। ओ देखिए खूबसूरत नजारा, ये पेड़ है ना, ये चांचुनी पेड़ नहीं है बाबा, इसको कभी भी आप देख गया तो टच मत करना, इस टच हो जाने से फट जाता है, क्योंकि इसी पेड़ के सहारे ओशा मामा अलादीन, ओशा मामा बलादीन, दाऊद मोहम्मद इब्राहिम जैसा गुंडे लोग थे ना, वो माफियाज, इसी से ही बम बनाते थे, अड़ू बम, अमृत बम, जड़ी बूटी बम, आलू बम, सब बम। और इस बम में देखिए ये यंत्र फला है, और ये यंत्र करोड़ साल में एक ही मिलता है, एक ही बार मिलता है। मैं क्यों इतना भाग्यशाली, क्यों मैं ही इतना भाग्यशाली होता हूँ बार बार मुझे ऐसे नजारा देखना मिलेगा। पर इस पेड़ को कभी मत टच करना, ये ब्लास्ट हो सकता है, बहुत डेंजर है। अब देखते हैं ये फल कैसा है। फल पेड़ को छूना नहीं चाहिए, ये तो बहुत मुश्किल है रे बाबा, पेड़ को बहुत हिलाया तो पड़केगा, ये फूटेगा। फाइनली ये मेरे हाथ में बाबा, देखिए वेरी डेंजरस, इसका शेप देखिए भाई जान, ये तो लग रहा है साला गोरू का सींग है, छेड़ देगा पिछवाड़े, बहुत डेंजर है। पर देखते हैं, बांचना तो पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, माँ बाप को भेटना पड़ेगा, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये आड़ू बम का चाइल्ड। खाना तो पड़ेगा, कुछ नहीं मिला है 8 घंटे से। बाकी भाग इतना रखता हूँ, मुझे बहुत काम आने वाला है। आओ! कैसे खाऊं पता नहीं, माँ कुछ एक बार याद करता हूँ और खाता हूँ। कुछ साउंड सुना रहे हैं, हेलीकॉप्टर इधर उधर ही है क्या? ये देखिए, ये देखिए, राउटे लोग का पोन लेक, यही है। पर इस टाइम साला सब पानी सूख गया है, जैसे मेरा जिंदगी सूख गया है ऐसे ही ये साला पोन, ये लेक का पानी भी सूख गया है। पर मुझे लग रहा है इधर आसपास ही कुछ गांव होना चाहिए राउटे लोग का, क्योंकि ये लेक है ना, ये लेक में मुझे लग रहा है मेरा ये सिक्स सेंस काम कर रहा है। इधर आज राउटे लोग कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, साला वो खुजली बीमार मिटाने के लिए इधर हो सकते हैं, इधर आते हैं वो लोग। देखता हूँ मैं इधर क्या कुछ है। ये देखिए, देखिए मैंने बोला था ना, ये राउटे लोग का कुछ तो है, साला कपड़ा धो गया, साबुन छोड़ गया, दिमाग नहीं है राउटे लोग का। और ऐसा भी हो सकता है वो राउटे लोग फिर वापस आ जाएगा कपड़ा धोने के लिए, पर क्या करें, मेरा तो सांस ही जाने वाला है। भूख ऐसा लग रहा है, पीट पीट के ऐसा भूख लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सो क्या करें, मैं साबुन खाने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। माँ को मिलना पड़ेगा, मैं अब ये साबुन खाऊं, खा जाऊंगा, क्या करें, खा जाऊंगा। किसी साल किसी दिन में ये साबुन साला अपने मोजा भी नहीं धोता था, वॉशिंग मशीन में डालता था, अब देखो साला मेरा किस्मत, मेरा कर्म देखो, ये साबुन भी मैं खा जाता हूँ। और ये राउटे लोग ने देख लिया तो मुझे मारेगा,
ये साबुन का नाम क्या है? ओ माय गुडनेस, पूजा साबुन। इधर भी पूजा साबुन, और नेपाल में भी पूजा साबुन, बिहार में भी पूजा साबुन। ओ स्मेल तो साला डिटर्जेंट जैसे आ रहा है, पर क्या करे, खाना पड़ेगा भाई जान। कैसे खाऊं पता नहीं, फीज आ जाएगा मुंह में, पर मैं खाऊंगा। ये साबुन तो बहुत फीज मार रहा है, देखिए मेरा ओठ के बाहर इधर उधर उधर लग रहा है। भूख लगा है, बांसना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही। मेरा एक्स गर्लफ्रेंड का पूरा याद आ रहा है, कोरियन जापानीज चाइनीज खिलाता था मेरा एक्स, अब मैं ये साबुन का टुकड़ा खा रहा हूँ। क्या करो, खाना पड़ेगा। राउटर लोग का आवाज सुना आपने? राउटर लोग आपने सुना, आपने आपने सुना होगा, शेर मुझे बहुत पीछा कर रहा है, शेर से मुझे बचना चाहिए, शेर मुझे मैं गया। कहाँ सजिलो छ, चढ्नै पऱ्यो। प्यान्टले अलि मिलेन कि प्यान्ट, अर्को रुखमा हिँड्नु अब भयो, हाल त्यता झुन्डिन हाल हाल आम्मामा लिँदै हालेछ है, आफैले हगेछ न मुर्दार, भे पैसा खर्च हुन्छ नि मुर्दार। र हामी चाहिँ अहिले बिहान द सिनमै छौँ, अब म्यान भर्सेस वाइल्डको होइन, क्यामेराम्यानलाई दुःख कति भयो होला सोध्नु त, क्यामेराम्यानको त दुःखै डेन्जर छ कि, तेरो गर्ने नि आफै, क्यामेरा पनि आफै, काम पनि आफै हो त नि, हो अबे खत्रै दुःख छ सोल्टीलाई, कति झाडीहरूमा दौडिनु परेछ, अबे लेदै लेदो यता झार्न लेदो यतातिर यतातिर लेदो झार्न यता झार्ने हो छिङ, जुत्ताको हालत पनि यस्तो भइसक्यो यार, यो जुत्ता फेरि लन्डनबाट मगाएको साँच्चै यार, गफ हाने जस्तो लाग्छ होला यार, माइक टाइसनले पठाएको जुत्ता, मान्छेको हालत यस्तो भइसक्यो, के भइसक्यो, पत्ली खराब झट्ली खराब तेरो, तर साँच्चै यो आठ कोसे झाडीभन्दा चाहिँ कम छैन है गाइची, आम्मामा डेन्जर छ यहाँ। अब हाम्रो लगभग हाफ म्यान भर्सेस वाइल्ड पनि सकिसकेको छ, अब यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन तपाईँहरूलाई देखाइरहेको, ओ लेदै झारे छ ऊ तल ताप ताप चुहा छ मुर्दार, भन्नु मान्छेहरूलाई भन्दा सजिलो हुन्छ गर्न गाह्रो छ है, हजुर हजुर लास्टै गाह्रो छ नि बाबु, आफ्नो हालत पत्ली भइसक्यो। तर अघि रुखमा चाहिँ दुई चारचोटि हेलिकप्टर गरेर खस्ने बेला चाहिँ म चार पाँचचोटि चाहिँ झरेको थिएँ, तपाईँलाई थाहा छैन होला, त्यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिनमा कैद गर्न सकिएन। सो अब एकछिनमा हामी फेरि अरू बिहाइन्ड द सिन के थियो हाम्रो अहिले देखाउँछौँ, सो स्टे ट्युन, बाल न ए छिटो बाल, यहाँ अब यहाँ यसो सुत्नुपर्ने सिन थियो, लाइटरै भाँच्ने मान्छे खोइ देखा, लाइटर नै भाँच्यो, लाएर 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 खत्तमै भयो त यार, हजुर त्यो नि हो। ल हामी अब सुत्ने टाइम भइरहेको थियो, रात पोलिसकेको थियो, अब लाइटरै भाँचियो यार, हात पनि पोल्यो, के खालको भिडियो बनाउन आएको छ यार, कहिले लाइटर नचलाउने मान्छेले चलाएपछि यस्तै हो त नि, मैले गर्छु भन्न जान्ने हो नि, त फेरि चुरोटेमा चुरोट खान्छस् क्या, चुरोट खानुपर्छ लाइटर बजाल, खाना पकाउनु पऱ्यो, खाना चाहिँ के पकाउँछ बाबु,
जिन्दगी यहाँ देखेको छैन त अहिलेसम्म ग्यास बालेको बालेर हुर्केको मान्छे हो भिडियो बनाउनु पनि गाह्रो छ भगवान्। ए अब बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ अब यति कुरा मुर्दार मुझे हाँसेर हाँसेर बनाउनै दिँदैन यार डाइनोसरको अन्डाले ल ल डाइनोसरको अन्डालाई त आम्मा पानी हाल्दै खास जस्तो खा खा अब तेरै त भने मुर्दार हाँसेर हाँसेर यार मासालाई यार बनाउनै दिँदैन यार हाँसेर यार कस्तो हाँसेको यार खा खा त्यहाँबाट पानी हाल्ने खाने अनि गु जस्तो अग्नि ए गु जस्तो अग्नि अरे ल इन्जोय गर भाइ ल अब हाम्रो पनि अब अलिअलि सकिँदैछ अब एकछिनमा सकेपछि चाहिँ अब म पनि एउटा खा खैले खैले त अब एकछिनमा खानु पऱ्यो एकछिनमा खान खाइसकेपछि फेरि अब अर्को पडाउतिर जाँदैछौँ हामी हाँसेर हाँसेर मलाई गर्नै दिएन क्या हेर हेर खाएको ल कस्तो छ माया मेरो मेरो होइन को बाँदरको बच्चा हो खुब खाँचस् मुद्दार सुटिङको नाम दिँदै तिनवटा खाइदिनु भयो झन्डै एउटा बच्चा मिठो लाग्यो के भगवान् लागेको थियो खाइदिएँ मैले खा खा इन्जोय गर बाँदर हेर 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 नकचारो राजाको मैले खाइदिएको रानीको खानु लाग्यो मुर्दाले खानु पऱ्यो नि खा मिठो चिज त कहाँ छोड्नु त साला त्यो प्लास्टिक पनि खायो भित्र डन्डी रहेछ डन्डी चपाएर होइन त्यही भएर त हाँसेको नि नाच्ने यार बिचमा मासाला हाँसे खप्पेन क्या ल इन्जोय गर ल ल ल अब हाम्रो अर्को छ फेरि अब धेरै कुराहरू छ यो त बिहाइन्ड द सिन तपाईँलाई यसो रमाइलो गरेर गाह्रो छ नि औ अब तिन चार घन्टा भइसक्यो यताउता सोच्दा मिल्दैन कहिले हाँस्छ चार पाँचचोटि टेक लिँदैछौँ अब हाँसेरै बिगारिदिन्छ क्या यसले मुर्दाले तर पनि कोसिस जारी छ लेट्स होप फर द बेस्ट के गर्नु लाग्यो यो डिरेक्टर साहबले फेरि गाह्रो बनाउँछ यार हजुर 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 हेर्दा पनि हेरेर यो चाहिँ है अलिक गाह्रो छ चाइनिज ल के भयो उठाउ न हौ उठाउ अब त आयो त आयौ गाह्रो भयो त हौ झन्डै तल खसेको हेर्नु त तल खस्यो भयो त सिधै तल सिधै तल छ ल उठौँ ल गाह्रो छ है क्यामराम्यान त यस्तो बसेको छ यहाँ आमा सिधै तल खसिन्छ गर्छु नि ल छिटो उठ्नु ल ल खै त अब गरौँ अह क्यामरा आउनु ल माथि झन्डै खस्नु भयो चढ्नु पल सो बाई सी यु अन नेक्स्ट म्यान भर्सेस वाइल्ड एपिसोड 2 Bye-bye. Chatter, chatter.